तो प्यारे विद्यार्थियों देख सकते हो हमारे पास में आ चुका है आपका त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 10 का गणित विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका सॉल्यूशन। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से मैं आज आप सभी को पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर बताऊंगा जो कि कक्षा 10वीं गणित का है, इसका पूरा सॉल्यूशन भी समझाऊंगा, एक भी क्वेश्चन आपका इसमें से बाहर जाने वाला नहीं है। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 10वीं का आपका गणित का पेपर कैसा आएगा और आप सभी को इसका सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। देखिएगा यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ प्यारे विद्यार्थियों कि आपका सेट बी मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, जिसमें कि मैंने आपको सेट बी का फुल सॉल्यूशन दिया था, एक भी क्वेश्चन उसमें से नहीं छूटा था। और बहुत ही जल्दी देखिएगा यहाँ पर आपका सेट ए भी वायरल हो चुका है, तो आप सभी लोग यहाँ से सेट ए को भी अच्छे से समझ लेंगे और इसमें पूरे के पूरे आंसर भी देख लेंगे। देखिएगा मैं आपको बता देना चाहता हूँ प्यारे विद्यार्थियों कि आपका जो पेपर है ना वो अलग अलग सेट पेपरों में आ रहा है, मतलब सेट ए अलग आ रहा है, सेट बी अलग आ रहा है, सेट सी अलग आ रहा है। अब ऐसे में आप लोग क्या करें कि आप सभी लोग पूरे नंबर ला पाओ, तो देखिएगा इसके लिए आपको क्या करना है कि मैंने आपको सेट ए बताया, सेट बी बताया और सेट सी बताया, अगर आपने तीनों सेटों को अच्छे से लगा लिया ना तो एक भी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थी उसमें से आपका बाहर जाने वाला नहीं है। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं, समझते हैं त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 10वीं के आपके गणित विषय के पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके सॉल्यूशन को, जिससे कि आप सभी लोगों को पूरा क्वेश्चन पेपर आसानी से समझ में आ सके। तो देखिएगा इस प्रकार का पूरा आपका क्वेश्चन पेपर होगा त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 10वीं गणित विषय का। इसके लिए आपको समय दिया जाएगा 3 घंटे का और पूर्णांक होगा आपका 75 नंबर का। यहाँ से आप सभी लोग देख लेंगे कक्षा 10वीं के गणित के पेपर का फुल सॉल्यूशन आज हम यहाँ से देखने वाले हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी लोगों से निवेदन है हमारा कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 10वीं का आपका गणित का पूरा क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा और आप सभी को इसका सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो देखिएगा इस प्रकार का पूरा प्यारे विद्यार्थियों आपका पेपर होने वाला है, यहाँ से आप लोग देख लें। पहला क्वेश्चन देखते हैं, 96 और 404 का एचसीएफ होगा, कितना होगा? 4 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, यदि द्विघात बहुपद x² + bx + c के शून्य अल्फा और बीटा हो तो अल्फा बीटा का मान क्या होगा? तो ये आएगा आपका c/a, यहाँ से आप लोग देख लें। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, यदि a1 a2 = b1 b2 तो रैखिक समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 का क्या होगा? अद्वितीय हल होगा। तो यहाँ से तीसरे का उत्तर आपका ये आ जाएगा। अब उसके बाद में चौथे क्वेश्चन को देखते हैं, क्या लिखा है, यदि द्विघात समीकरण x² + bx + c = 0 के मूल समान हो तो समीकरण के विभिन्नीकरण का मान क्या होगा? तो देखिएगा इसका उत्तर आपका आ जाएगा 0, यहाँ से आप लोग देख लें इसका उत्तर क्या होगा, 0। पाँच नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, ap -3 - 1/2 2 का 11वां पद क्या होगा? तो देखिएगा इसका उत्तर होगा आपका 22, यहाँ से आप लोग इसको देख लें इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 22 आ जाएगा। तो ऐसे आप सभी लोग यहाँ तक का पूरा पेपर देख लेंगे। अब चलिएगा आगे बढ़ते हैं और आगे के पेपर के सोल्यूशन को देखते हैं। अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन ये लिखा है, 2 समरूप त्रिभुजों में भुजाओं का अनुपात 9:4 है तो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो देखिएगा इसका उत्तर आ जाएगा 81:16। तो यहाँ से छठे क्वेश्चन का आपको मैंने सी वाला आंसर बता दिया। अब इसके बाद में यहाँ पर आ जाओ, यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन को देख लें। क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें कि आपको रिक्त स्थान दिए गए हैं, रिक्त स्थान में पहला क्वेश्चन देखते हैं, 3√2 एक संख्या है, किसी संख्या परिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन, घात 1 वाले बहुपद कहलाते हैं, तो देखिएगा इनको क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद प्यारे विद्यार्थी इनको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 को देख ले, 3 का उत्तर क्या आएगा, इसका उत्तर आपका 4 आ जाएगा। आप सभी लोग यहाँ से इसको देख लें और इस प्रकार से नोट कर लें। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको मैं एकमात्र इसी चैनल पर आप सभी को रियल पेपर देखने को मिल रहा है, एक भी क्वेश्चन आपका इसमें से बाहर जाने वाला नहीं है। तो इसलिए आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लो। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके बाकी के क्वेश्चन पेपर को और इसके सॉल्यूशन को। तो देखिएगा यहां से मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन बता दिया था, क्वेश्चन नंबर 1 हमने देख लिया, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देख लिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 के सॉल्यूशन को देखते हैं, तो देखिएगा 3 का उत्तर आपका 4 आ जाएगा। और चौथे नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, तो देखिएगा इसका उत्तर होगा आपका -b/a, तो यहां से आप लोग गेस का उत्तर लिख लें। छठे नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में है तो बी को ए और सी को कहते हैं, तो देखिएगा इसका उत्तर आ जाएगा समांतर माध्य कहते हैं। तो देखिएगा ऐसे आप सभी लोग यहां तक का पूरा जो मैंने आपको बताया है आप सभी लोग इसके सॉल्यूशन को अच्छे से याद कर लेंगे और पूरे नंबर आप लोग इसमें लेकर आना, क्योंकि आपका लास्ट पेपर बचा है गणित विषय का। तो यहां से आप लोग इन क्वेश्चंस को देख लेंगे। अगला क्वेश्चन लिखा है, यहाँ से समरूप त्रिभुजों के संगत कोण होते हैं, तो देखिएगा ये कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। समरूप त्रिभुजों के संगत कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ से मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर बता दिया आपको। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 ये लिखा है, आप सभी लोग देख लेंगे। पहला क्वेश्चन, 9 और 27 का एचसीएफ कितना होगा? 9 होगा। त्रिघात बहुपद की घात कितनी होगी? 3 होगी। x + 2y
2y+3=0 में यदि x=0 हो तो y बराबर कितना होगा, ये आ जाएगा -3/2। और उसके बाद अगला क्वेश्चन, द्विघात समीकरण x2+4x+1=0 के विभक्ति कर्ण का मान क्या होगा, -3 आ जाएगा। समांतर श्रेणी का n-वां पद, तो देखिएगा इसका उत्तर होगा आपका an=a+n-1(d)। तो देखिएगा पांचवें का उत्तर मैंने आपको ये बता दिया, आप सभी लोग यहाँ से इसको नोट कर लेंगे। छठे का उत्तर क्या होगा, सभी संभव त्रिभुज होंगे, कैसे होंगे, समरूप होंगे। तो देखिएगा ऐसे आप सभी लोग देख लें यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 3 का फुल सॉल्यूशन प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से मैंने आपको दे दिया है। एक भी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका छूटने वाला नहीं है, पूरा का पूरा सॉल्यूशन दूंगा, एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ से नहीं छूटेगा। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 पूरा मैंने बता दिया, क्वेश्चन नंबर 3 भी मैंने आपको बता दिया। अब चलिएगा आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या पूछा जा रहा है, देख सकते हो पूरा का पूरा जो पेपर है ना ये रात में वायरल हुआ है, पूरा का पूरा आप लोग देख कर जाइएगा, एक भी क्वेश्चन इसमें से आपका छूटने वाला नहीं है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर आपको कैसे लिखना, पहला क्वेश्चन, यदि किसी द्विघात समीकरण के विभक्तिकर्ण का मान धनात्मक हो तो उस समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी होगी। तो देखिएगा मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। तो यहां से आप लोग ये लिख लें, मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 5, 10, 15 के 8 पदों का योग कितना होगा। तो देखिएगा ऐसे अगर हम 8 पदों को जोड़ते हैं तो इसका योग होगा 180। यहां से आप लोग नोट कर ले कितना होगा, 180। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या भुजाओं 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एवं 10 सेंटीमीटर से निर्मित त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। तो इसका उत्तर आपका आ जाएगा हाँ। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय का कथन लिखिए। तो देखिएगा पहला बता दिया, दूसरा बता दिया, तीसरा बता दिया, चौथा बता दिया। तो देखिएगा चौथे नंबर के क्वेश्चन को भी आप लोग देख लें, इसमें आपसे प्रमेय पूछी गई है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, इसमें दिया गया है बिंदु A 2, 3 और B 4, 5 को मिलाने वाले रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। तो इसके निर्देशांक होंगे 2√2। इसके बाद छठा क्वेश्चन देखते हैं, किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक 3, 2, 1, -4 तथा -4, 4 है, उसके केंद्रक के निर्देशांक क्या होंगे। तो देखिएगा इसका उत्तर भी आपका क्या आ जाएगा, 0, 0। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों आप सभी लोग इस प्रकार से अपने पेपर की तैयारी अच्छे से कर लें। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 ही लिखा है, डियर फ्रेंड देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 5 ये यहाँ पर आपको दिया गया है। तो सभी लोग यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेंगे और पूरा समझ भी लेंगे। पहला क्वेश्चन, 2 संख्याओं का गुणनफल उसके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है, बिल्कुल राइट होगा। दूसरा क्वेश्चन, x²+b=0 और a≠0 द्विघात समीकरण होगा। तो देखिएगा ये भी सत्य होगा, यदि 2 त्रिभुज समकोणिक हो तो त्रिभुज समरूप होंगे। तो देखिएगा ये बिल्कुल असत्य होगा, किसी बिंदु की कोटि 0 है और भुज 3 है तब वे एक अक्ष पर स्थित होगा, ये भी सत्य होगा। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी बिंदु Q के निर्देशांक 2, 5 और 2 को Q की कोटि कहते हैं। तो देखिएगा ये भी सत्य होगा, बिंदु -8, 6 द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होगा। तो ये देखिएगा ये भी आपका असत्य हो जाएगा। तो ऐसे आप सभी लोग यहाँ तक के जो जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं आप सभी लोग यहाँ से इनको देख लेंगे और पूरा का पूरा समझ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का फुल सॉल्यूशन मैंने आपको दे दिया है। अब उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 को देख लें, जिसमें कि लिखा संख्या 3825 में अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अगला क्वेश्चन ये लिखा है प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोग यहाँ से देख लें। क्वेश्चन नंबर 2 ये लिखा है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 9 ये लिखा है, देखिएगा ये 7वां लिखा है, ये 8वां लिखा है, नवा लिखा है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10वां लिखा है, क्वेश्चन नंबर 11वां दिया गया है। तो आप सभी लोग यहां से इन क्वेश्चंस को देखते चले, A to Z पूरा का पूरा पेपर जैसे मैं आपको बता रहा हूं ना, एक भी क्वेश्चन आपका इसमें से बाहर जाने वाला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है, 13 लिखा गया है, क्वेश्चन नंबर 14 लिखा है, क्वेश्चन नंबर 15 लिखा गया है। तो देखिएगा सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं। चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं और आगे के पेपर को समझते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 लिखा गया है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 लिखा है, क्वेश्चन नंबर 18 लिखा है, क्वेश्चन नंबर 20 लिखा है, 21 लिखा है। तो देखिएगा पूरा का पूरा पेपर मैंने आपको बताया ना, बिल्कुल इसी प्रकार का आपसे पूछा जाएगा जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 21 लिखा गया, 22 लिखा गया, क्वेश्चन नंबर 23 लिखा है। तो देखिएगा पूरा का पूरा A to Z क्वेश्चन पेपर मैंने यहाँ से आपको प्यार विद्यार्थी बता दिया। तो आप सभी लोग यहाँ से इसको अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।